ये देखना भाई, अभी देखना TFT क्लस्टर की शानदार स्टार्टिंग और साउंड भी करता है मीटर, आपको सबको पता है। अभी दिखाता हूँ मैं, ये देखना भाई। पहले आता था सेल्फ लिया, एकदम क्रैंकलिंग साउंड आया, एकदम मतलब स्टार्टिंग साउंड एकदम आती थी, मस्त काम ही खत्म कर दिया TVS ने। अब बहुत लोग अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं उनके लिए आपको दिखाता हूँ। ये न्यूट्रल पे गाड़ी स्टार्ट किया, आवाज़ सुनना, सेल्फ की कोई आवाज़ नहीं आएगी, यानी कि सेल्फ की आवाज़ ही ख़त्म कर दी। सुना भाई? सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक, मनन स्पीकिंग दिस साइड। तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की मेरी इस न्यू वीडियो में। गाड़ी खड़ी है आपके सामने TVS रेडर स्मार्ट एक्स कनेक्ट, यानी कि TFT क्लस्टर। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, इसके TFT क्लस्टर TVS ने चेंज किया है, यानी कि TVS को 20,000 रुपये का फटका तो आराम से पड़ गया है। सो अगर आपको न्यू व्यूअर हो एंड अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैं रेडर के और भी गाड़ियों के काफ़ी रिलेटेड, ऑटोमोबाइल के रिलेटेड डेली नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करके तो जरूर जाना, बिकॉज आने वाली है स्मार्ट एक्स कनेक्ट वॉइस असिस्टेंट, माइलेज टेस्ट, ऑटो एडेप्टिव सेंसर ब्राइटनेस, जो इसका सेंसर आता है मीटर में उसकी भी वीडियो, एंड इवन नाइट व्यू इस मीटर के साथ यूट्यूब पर फर्स्ट होगा। वॉइस असिस्टेंट, नेविगेशन, बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, चाहे 2-व्हीलर की हो चाहे 4-व्हीलर की हो, जैसे कि धीमे धीमे डेवलपमेंट आ रहा है, तो भाई TVS कैसे पीछे रह सकता है भाई। धीमे धीमे और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और आया सेल्फ के साथ क्रैंकलिंग साउंड। ये कहने का जैसे कि TVS एंटॉक और TVS अपाची 4V, 2V, 180, 200, 160 दुनिया भर के मॉडल हैं। जैसे ही भाई चाबी ऑन करते हो, सेल्फ लेते हो, एकदम से आती है साउंड क्रैंकलिंग की। लेकिन TVS कैसे पीछे रह सकता है डेवलपमेंट के लिए, इसलिए TVS ने साउंड ही ख़त्म कर दी। तो भाई TVS ने भी इंट्रोड्यूस किया साइलेंट स्टार्ट, यानी कि किक तो हटाई दी कॉस्ट कटिंग की वजह से, लेकिन साइलेंट स्टार्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपनी TVS रेडर पे, या फिर आप उसका TFT मॉडल लो जो सामने खड़ा है, या फिर आप उसका स्टैंडर्ड या बेसिक या बेस जो भी आपका वो मॉडल लो, एंड इवन इनकी TVS जुपिटर पे जो उसका टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आता है भाई साइलेंट स्टार्ट। तो भाई TVS ने सिस्टम ही बदल दिया, दिखाता हूँ मैं कैसे। ये देखो, ये देखना भाई, अभी देखना TFT क्लस्टर की शानदार स्टार्टिंग और साउंड भी करता है मीटर, आपको सबको पता है। अभी दिखाता हूँ मैं, ये देखना भाई। पहले आता था सेल्फ लिया, एकदम क्रैंकलिंग साउंड आया, एकदम मतलब स्टार्टिंग साउंड एकदम आती थी, मस्त काम ही ख़त्म कर दिया TVS ने। अब बहुत लोग अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं उनके लिए आपको दिखाता हूँ। ये न्यूट्रल पे गाड़ी स्टार्ट किया, आवाज़ सुनना, सेल्फ की कोई आवाज़ नहीं आएगी, यानी कि सेल्फ की आवाज़ ही ख़त्म कर दी। सुना भाई? शांति से स्टार्ट हो गई। अब जहाँ सोसाइटी से आपको निकलना है आराम से आप निकल जाओ, बिना किसी को दिखाए कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, बिना किसी को सुनाए इवन। लेकिन इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कंपनी का कितना पैसा R&D लगा होगा, वी कांट इमेजिन दैट। तो भाई ये जो सिस्टम इन्होंने अपनी TVS जुपिटर स्मार्ट एक्स कनेक्ट में, जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है, और अपनी रेडर पे, चाहे बेसिक लो चाहे TFT क्लस्टर वाली लो, तो इन्होंने ये जो दिया है फीचर, इसका एक अच्छी बात भी है एक बुरी बात भी। अच्छी बात की अगर बात करें, पॉजिटिव की बात करें, तो भाई शांति से स्टार्ट हो जाती है बिना कोई टेंशन के, और भैया कहने में अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई हम कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बाइक चला रहे हैं। लेकिन नेगेटिव भी हर चीज़ में, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होता है। अगर नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं रिस्पेक्टिवली TVS रेडर की ही बात करूँ, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 1 मंथ से, तो मैं आपको बताऊँ, इसका अगर आप सेल्फ लेते हो, जब मैंने अभी आपको दिखाया, तो 100 times में आप कह सकते हो 1 या 2 बार नहीं भी चलता है। मीन्स गाड़ी हल्का से लेती है एक्सलेटर, रेस आप कुछ भी को RPM चढ़ता है, 1000 तक टोन बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, आप कह सकते हो डाउन हो जाता है, तो 1-2 बार नहीं भी चलता है साइलेंट स्टार्ट। लेकिन यही नहीं, एक और बात है, दूसरी बेकार चीज़ की बात करें अगर, वो भाई अपना अपना पर्सनल पॉइंट होता है। किसी किसी को क्रैंकलिंग साउंड जो अपाची में आज भी है, वो अगर किसी किसी को पसंद है, तो आप वो चीज़ अपने TVS जुपिटर की चलो बात हटाते हैं, क्योंकि वो एक स्कूटी वाला सेगमेंट है। लेकिन जब बात आती है रेडर की, यानी कि मोस्ट सेलिंग डिमांडिंग बाइक की, अगर मैं बात करूँ 125cc में, तो आप ये काफ़ी मिस करोगे, क्योंकि मैं खुद ही मिस करता हूँ इसकी क्रैंकलिंग। तो अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है, देखो दोनों बातें। जो भी मैंने बात आपको बताई बिल्कुल प्रैक्टिकल बताई है। सो आई होप आपको मेरा सेल्फ वाला वीडियो अच्छा लगा होगा एंड समझ में भी आया होगा मेरा क्या सेंस है। देखो इस वीडियो की कोई नीड नहीं थी वैसे, लेकिन मुझे लगा मुझे साइलेंस स्टार टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताना चाहिए, तो वो मैंने किया है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।